हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर अपने चैनल अमित सार एकेडमी के ऊपर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस, जिसमें हमारा चैप्टर होगा विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बेसिक से हिंदी मीडियम में हम लोग स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत धारा जो चैप्टर हमारा है, ये आप लोगों का 7th 8th में ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 10th में कुछ 8th से एडवांस पढ़ना है और इसको 12th में इसका काफी रोल है। फिर आप बीएससी में जाओगे तो इसका काफी रोल है, लेकिन हम लोग 10th में उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल तक अगर आप 12th में जाए भी तो आपको परेशानी ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि विद्युत धारा होता क्या है। सबसे पहली कॉन्सेप्ट है कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़े थे 8th क्लास में पढ़े थे कि हमारे 3 तरह के करंट फ्लो करने के गुणधर्म को देखते हैं अगर हम हैं तो हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक होते हैं चालक, एक होते हैं अचालक और एक होते हैं अर्धचालक। चालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का, जिसमें आवेश का प्रवाह बिल्कुल आसानी से हो जाता है, उसे हम लोग चालक बोलते हैं। दूसरा है अचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अचालक। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होता है लेकिन उसमें अगर उस ऑब्जेक्ट में, उस पदार्थ में अगर हम कुछ अशुद्धियां मिला दें या उसके तापमान में परिवर्तन कर दें, इट मीन्स तापमान को बढ़ा दें, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। तो हमारे 3 तरह के पदार्थ होते हैं, कौन कौन? चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक में कैसे, एग्जांपल क्या होगा? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सभी क्या है? चालक है। दूसरा क्या हमारा है? दूसरा है हमारा अचालक, जैसे प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, ये सब क्या है हमारे? अचालक है। और तीसरा हमारा क्या है? अर्धचालक, जैसे हमारा क्या हो गया? सिम में लगता है अर्धचालक, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे हो गया जर्मेनियम, हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है, निकेल, ये हमारा सेमीकंडक्टर है। तो ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब सिलिकॉन, ये सब क्या है हमारे? सेमीकंडक्टर हैं। तो ये सभी को हम लोग अर्धचालक कैटेगरी में रखते हैं। तो यहां पर करंट जो फ्लो होता है, विद्युत धारा जो फ्लो होता है, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल चालक पर डिपेंड करता है। हम लोग केवल और केवल चालक पढ़ना है। तो पहला हम इसका लिखेंगे परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसका परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, तो लिखेंगे कि चालक के किसी एक बिंदु से एकांक समय, मतलब कि 1 सेकेंड, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को, में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहां पर बात ये आ गई कि सर आवेश कहते किसको है। जब हमारा एक बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आखिर हमारा वो आवेश क्या है जो गुजर रहा है? तो सबसे पहले अब इसके बाद हम लोग समझेंगे आवेश को, इसके बाद इसके ऊपर फिर से आ जाएंगे हम लोग।
आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश कुछ भी नहीं होता, आवेश किसी भी वस्तु का, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या उसके प्रभावों का अनुभव करता है। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, पहला उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, दूसरा उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा क्या है तथा इसके प्रभावों का अध्ययन करता है। कैसे पूछे कि आवेश क्या होता है, तो बोले हैं कि आवेश वह पदार्थ का वह गुणधर्म है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा इसके प्रभाव क्या करता है, अध्ययन, सॉरी गलती लिखा गया, अध्ययन, अनुभव करता है, प्रभावों का अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ऐसे एक्स्ट्रा चीज है, हम इक्वल इससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि आवेश होता क्या है। धनावेश होता है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है निगेटिव चार्ज। अब आप लोग बोलोगे कि सर बताइए धनावेश कहां से आया और ऋणावेश कहां से आया, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और यहां पर तुलना करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हमारे पास सोडियम नाम का एक धातु है जिसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी भी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसको हम लोग जेड बोलते हैं। तो हमारा जेड का मान कितना है, 11। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 11। प्रोटॉन का मान कितना है, 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, अगर इसको तोड़ दूं, इसके सबसेल में इसको तोड़ दूं, सबसेल बोल रहे हैं, सेल में इसको तोड़ दूं, तो याद कीजिएगा 281। आप लोग 9th में पढ़े हैं KLM। यह तत्व अभी अस्थाई नहीं है तो क्या होगा, यह अपना बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकाल अगर देता है तो क्या बन जाएगा, अस्थाई बन जाएगा। तो यह सोडियम क्या किया, अपने बाह्यतम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब आप लोग पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, प्रोटॉन क्यों निकाला, तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1837 से गुना करेंगे तो जितना वैल्यू बनकर आएगा हमारा किसका आएगा, प्रोटॉन का आएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन काफी हल्का होता है और प्रोटॉन क्या होता है, भारी होता है। जैसा कि अगर बेसिक बात करें हम, तो ध्यान दो ये हमारा होता है नाभिक और इस नाभिक में क्या होता है हमारे, इस नाभिक में प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है। अब इसके बाहरी कोष में ऐसे कक्षक बने होते हैं, ये हमारा मान लो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या कि दो इलेक्ट्रॉन कहां है, के पास है, 8 इलेक्ट्रॉन कहां है, एल के पास है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक किस में है, एम में है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागता है तो इसका पूरा का पूरा जो कोष रहेगा वो फुलफिल रहेगा,
जितना जिसकी आवश्यकता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में है, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर बल जो होता है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। और इस नाभिकीय बल से, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नाभिकीय बल बोलते हैं, इस नाभिकीय बल से प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक में जुड़ा रहता है, नाभिक में रहता है, और जिस कारण से यह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन किया जा सकता है। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम तो हमारा जेड का मान तो 11 ही है, जेड के मतलब नहीं, जेड से मतलब नहीं, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया, हम लोग का इलेक्ट्रॉन एक निकल गया कितना हो गया 10, प्रोटॉन कितना हो गया 11 है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर तो किए नहीं हम लोग हैं। अब बताइए कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है 10 है, प्रोटॉन क्या है ज्यादा है, ज्यादा कौन है प्रोटॉन, चार्ज क्या है उसका प्लस है, इस पर चार्ज कितना आ गया प्लस, ये हमारा बन गया धनावेश। अब बताइए कि धनावेश आया कैसे, तो जब इस तत्व में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो हमारा क्या आया धनावेश आया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुई तो हमारा क्या हुआ धनावेश आया। धनावेश किसे कहते हैं, तो बोलना कि जब किसी तत्व में या जब किसी पर जब किसी तत्व हाँ जब किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर चार्ज जो आता है वो क्या आता है धनावेश आता है, किसी भी तत्व और किसी भी यौगिक में। अब ध्यान दीजिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए क्लोरीन हमारे पास है, इसका जेड का मान होता है 17, इलेक्ट्रॉन का भी मान होता है 17 और प्रोटॉन का मान होता है 17, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम, इलेक्ट्रॉन का अगर विन्यास करें तोड़े इलेक्ट्रॉन को के एल एम एन में तो क्या होगा 2, 8, 7। ये भी अपने आप में स्थायी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और इस पर आता तो क्या होता अस्थाई होता, तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन का तलाश करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन तलाश करने के लिए क्या किया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा सीएल आ गया। अब ध्यान दो इलेक्ट्रॉन का मान एक ग्रहण करेगा तो कितना हो जाएगा 18, प्रोटॉन का मान कितना हो जाएगा 17। कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उस पर चार्ज कितना है माइनस है, तो चार्ज कितना इस पर आ गया माइनस आ गया। अब आपसे पूछेगा कोई कि बताइए इस पर जो माइनस आया इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे ऋणावेश। ऋणावेश कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई। तो आखिर बताइए कि आवेश की भूमिका निभा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। अगर आवेश की भूमिका कौन निभा रहा है, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आवेश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते है। तो ध्यान रखिएगा आज से पॉइंट टू रिमेंबर, 100 mg का कैप्सूल याद रखना है क्या, कि इलेक्ट्रॉन की यदि कमी होती है तो हमारा होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की यदि वृद्धि होती है तो क्या होता है हमारा ऋणावेश होता है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आवेश का मतलब और कुछ भी नहीं है, आवेश का मतलब और कुछ भी नहीं है, आवेश का मतलब हमारा कौन है इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि जहां जहां आवेश के बारे में बात करेंगे चैप्टर में, इसमें किसके बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। पुनः अपने परिभाषा पर आ जाते हैं कि चालक किसी एक बिंदु से एकांत समय में गुजरने वाले आवेश को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ बना हुआ है, कोई पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, इस पदार्थ इस तरह से बैटरी से कोई चालक जुड़ा हुआ है, मान लो ये हमारा है चालक, इसको हम लोग बोल रहे हैं चालक, ये हमारा माइनस टर्मिनल है और ये प्लस है। अब सोचने वाली बात है कि इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन भी है,
अब बताइए कि विद्युत धारा किधर प्रभावित होगा? तो ध्यान दो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, यह माइनस है, तो माइनस और प्लस में क्या होता है? आकर्षण। और माइनस माइनस हम लिख दो यहां पर, आवेश जो होता है माइनस और माइनस और प्लस में, पता है क्या होता है? माइनस और माइनस प्लस प्लस में होता है दुश्मनी, बोल सकते हो दुश्मनी। और प्लस और माइनस में क्या होता है? ये बोल सकते हो आप लोग प्यार, प्यार होता है। प्लस माइनस में क्या होता है? प्यार होता है। और प्लस माइनस में प्यार होता है, और माइनस माइनस और प्लस प्लस में क्या होता है? दुश्मनी होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनस है, इस कारण से प्लस क्या हुआ? उसके तरफ आकर्षित हुआ। और इलेक्ट्रॉन जिधर भी ट्रांसफर होगा, विद्युत धारा क्या होगा हमारा? उसके विपरीत दिशा में ट्रांसफर होगा। ये हमारा विद्युत धारा आई ट्रांसफर होता है, विद्युत धारा आई ट्रांसफर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर यदि लिखे हम कि माना एक चालक, लिखते हैं कि माना कि एक चालक, माना कि एक चालक के एक बिंदु से के एक बिंदु से एक चालक के एक बिंदु से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। मान लिया हम लोग कि एक चालक है, इससे क्या हो रहा है? अब तो डेल्टा टी समय, डेल्टा मतलब क्या होता है? अल्प, कम, कम समय में कम आवेश प्रवाहित होता है। तो यहां पर कोई पूछे आपसे कि औसत विद्युत धारा बराबर क्या होगा? औसत विद्युत धारा बराबर क्या होगा? होगा कि आवेश, आवेश क्या होगा? गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा? गुजरने वाला कुल आवेश बटा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा? इस कंडीशन में यही लिख देते हैं, आई एवरेज बराबर हो जाएगा, गुजरने वाला कुल आवेश कितना है? डेल्टा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ये हमारा विद्युत धारा का एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। सिंपल सा फॉर्मूला, विद्युत धारा बटा होता है आवेश बटा समय। क्यों? क्योंकि हमारा एकांक समय में कितना आवेश गुजर रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारी आवेश के, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का नहीं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। आवेश को हम लोग बोलते हैं कूलाम, और समय को बोलते हैं हम लोग सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड बोल सकते हैं, कूलाम सी, और समय क्या हो गया? सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर,
क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है हमारा, एम्पियर होता है, कूलम्स पर सेकेंड, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्पियर बोल सकते हैं। यदि मान लो इफ क्यू बराबर 1 कूलम हो और टी बराबर 1 सेकेंड हो, इफ यदि क्यू बराबर 1 कूलम और टी बराबर 1 सेकेंड हो तो बताइए क्या होगा। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू का मान, 1 कूलम समय का मान, 1 सेकेंड, 1 कट गया, 1 कूलम पर सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 एम्पियर। वैल्यू किसका आ गया, 1 एम्पियर का आ गया। तो एग्जाम में पूछता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, 1 एम्पियर को परिभाषित करें, तो लिखेंगे यहां पे लिख देंगे हम लोग कि यदि किसी चालक से, चालक यदि किसी चालक में एकांक समय में एकांक समय में, एकांक मतलब 1 सेकेंड, 1 कूलम आवेश, एकांक समय 1 सेकेंड, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। कोई पूछेगा तुमसे कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, आपसे अगर कोई पूछेगा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में, मतलब एकांक समय में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। मतलब धारा जो उत्पन्न होगा, विद्युत धारा का मान जो उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर होगा। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट। इसमें दो बात याद रखना है, पहला बात है कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है, और दूसरा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, टर्मिनल की ओर। ध्यान समझिए, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस दिशा में होगा कि विपरीत हमारा क्या होगा, विद्युत धारा होगा, या अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस दिशा में होगा तो पक्का विद्युत धारा किस दिशा में होगा, इस दिशा में। यहां समझिए, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर है, विद्युत धारा इधर है,
क्यों इधर है, क्योंकि ए हमारा माइनस जो है वो प्लस के प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा। ये माइनस जो माइनस में क्या होगा, दुश्मनी होगा। दूसरा क्या है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर ध्यान दो। अगर मैं बात करूं तो ये बैटरी के धनात्मक है, ए के ऋणात्मक है, तो विद्युत धारा देखो तो कहां से गया है, ऐसे आया और ए इस तरफ गया, मतलब धनात्मक से कहां गया, ऋणात्मक की ओर। तो हमारा क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ कि विद्युत धारा किस दिशा में जाता है। अब दो बात बोल सकते हैं हम लोग, या तो इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में, या बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर हमारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या दिशा होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए और हमको कमेंट में बताइएगा उसका आंसर, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, यहां पे लिखता हूं मैं क्वेश्चन, विद्युत धारा कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, पहला अदिश या दूसरा सदिश। आप लोग को इसको बनाना है और कैसे है, अदिश है तो क्यों है, असदिश है तो क्यों है। पहले आप लोग आंसर दीजिएगा कि अदिश है कि सदिश है, अगर अदिश है तो क्यों है, असदिश है तो क्यों है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को पक्का शेयर करें, जिससे कि यह हिंदी मीडियम का प्योर एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट उन तक पहुंच सकते। धन्यवाद बच्चों।